यस नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम आज बात करने के लिए पहुंचे हैं चने पर। चने को लेकर बाजार में क्या भाव है और क्या आवक है, उस पर लेकर हमारे साथ में सत्य विजय गुप्ता जी मौजूद हैं, व्यापारी। उनसे हम जानेंगे कि चने की आज मंडी में कितनी आवक है और क्या भाव है। सबसे पहले सत्य विजय जी, हमारे हमारे टाइम टीवी में आपका स्वागत है नमस्कार जी सबका। आपका जी। आज चने की कितनी आवक है और क्या भाव है? जी चने की आवक आज लगभग करीब 2,000 कट्टे के लगभग है अलवर मंडी में, और भाव ये मानो अलवर में 5,800 से लेके और 6,050 तक बिका हुआ है। 6,050 आलपेड़, 5,800 लूज मंडी किसानी माल। आगे क्या भाव रहने के आसार है? हर आदमी इस टाइम तेजी में है और तेजी का माहौल है चने में, तो हर आदमी का मन तेजी की तरफ दौड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये करीब 1,000-1,500 रुपये बढ़ने चाहिए इसमें जल्दी। तो अभी मंडी में जो चना है कहां से आ रहा है? मंडी में लोकल आमद कम है, बाहर की मंडियों से बांदीकुई दौसा इधर से और पश्चिमी राजस्थान साइड से भी चना आ रहा है, और लोकल आमद कम है, कोटा से भी चना आया हुआ है। तो जो तेल मिलों में जो चना जा रहा है, किस क्वालिटी का जा रहा है? दाल मिलों में चना सब बढ़िया आ रहा है इस टाइम। चने की फसल अच्छी है, क्वालिटी वाइज बढ़िया चना आ रहा है। तो अभी एमएसपी की अपन बात करें तो क्या एमएसपी है चने की आज की? एमएसपी 5,650 रुपये के लगभग है गवर्नमेंट की रेट अच्छा, तो जी। अभी मंडी के अंदर उतार चढ़ाव के कोई भाव है कुछ? अभी 2-3 दिनों में तो कुछ टूटा हुआ है बाजार, बाकी सब आदमी तेजी का मन बना के चल रहे हैं। तो अभी क्या, किस कारण से भाव अभी टूटा हुआ है, क्या कारण मानते हैं आप? माल की सप्लाई ज्यादा होने पे थोड़ा बाजार टूट जाता है, जब माल की शॉर्टेज हो जाती है तो बाजार बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली। चने का कोई स्टॉक भी किया जा रहा है क्या है? ज्यादातर लोग स्टॉक में जा रहा है माल, दाल मिलों को भी जा रहा है, लेकिन 75% स्टॉकिस्ट, 25% दाल मिलों को जा रहा है। तो आगे और भी भाव में क्या स्थिति आपको नजर आती है कि आगे और भाव बढ़ने के आसार रहेंगे क्या? देखो सब आदमी तेजी में है और 500 से 1,000 रुपये की तेजी जल्दी बननी चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर। अभी जैसे कि दाल के जो भाव हैं वो भी काफी महंगे हैं बाजार के अंदर, तो ये किस तरह दाल के भाव महंगे हैं मील? देखो चने की दाल अभी भी सभी दालों में काफी सस्ती है, जबकि मूंग मोठ मसूर वगैरह और अरहर की दाल बहुत ज्यादा आ गई है। तब चने की दाल आज भी 75-76 रुपये के लगभग ही बिक रही है, ये कोई ज्यादा दाल का भाव नहीं है। तो अभी अगर आप पूरे देश और प्रदेश की बात करें तो कितना उत्पादन आप मानते हैं चने का? ये मेरे को शायद अनुमान नहीं है पूरे लगभग। तो अभी कौन कौन सी मीलों में जा रहा है यहाँ से? इसमें एसके इंडस्ट्रीज, जेपी इंडस्ट्रीज, इनमें जा रहा है चने अलवर में, और शारदा उद्योग है। तो आगे अभी किसानों को कोई भाव किस तरह से मिल रहे हैं चने के? किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, पिछली साल से तो काफी अच्छा भाव है। पिछली बार 4,400-4,500 का भाव था, इस बार 5,800 से 6,000 का लगभग भाव है, तो काफी अच्छा है, अपने आप में काफी बढ़िया है। एमएसपी से ऊपर ही है भाव, किसानों को एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है। पिछले साल कितनी आवक मानते हैं आप चाहोगे? पिछली साल से भी इस बार कम आवक है, पैदावार भी पिछले साल से 20-25% ओवरऑल इंडिया कम बैठेगी। और अब जैसे आवक की अपन बात करते हैं तो क्वालिटी कैसी है और क्या है? क्वालिटी अच्छी है, आवक धीरे धीरे कम हो जाएगी, कारण जो माल किसान को बेचना होता है वो प्रेशर से अप्रैल में ही बेच लेता है, मई में काफी कम हो जाएगा, तो उस टाइम मई जून में भाव बढ़ने का आसार लगता है। तो अभी अपने पास में जो मंडी के अंदर आवक चने की हो रही थी वो कब से शुरुआत हुई थी अपने यहाँ? ये करीब अप्रैल में ही शुरू हुई है, करीब 8-10 अप्रैल से शुरू हुआ है चना, और लगातार अब चलता रहेगा मई जून तक, पूरी साल चलेगा चना। तो अभी आगे कुछ उम्मीद मानते हैं कि आपकी चने में कुछ तेजी, अब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के बाद में सरकारें जो हैं बनेंगी, उसके बाद में कुछ? भाई गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आए, लेकिन 500-1,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ सकते हैं इसे। अभी अपने यहाँ पर कोई चने की कोई सरकारी खरीद या कोई ऐसा चालू हुआ या नहीं हुआ? तो नहीं अभी कोई चने की खरीद चालू नहीं है, अभी किसान जो माल लेकर आ रहा है कहाँ, व्यापारी के यहाँ ला रहा है क्या? टोटल माल मंडी में या बाहर व्यापारियों को बिक रहा है माल, बाकी गवर्नमेंट को नहीं तुलेगा, कारण गवर्नमेंट के भाव से ज्यादा मंडियों में मिल रहा है उसको भाव। तो ऐसा क्या मानते हैं कि क्यों गवर्नमेंट से कम मिलता है और वो यहाँ ज्यादा भाई लेकर? बाजार तेज होने की वजह से गवर्नमेंट के भाव तो फिक्स होते हैं, बाजार के भाव फिक्स नहीं होते, बाजार के भाव अप एंड डाउन होता रहता है, तो
बाजारों में तेजी है, इसलिए बाजार में ही आएगा माल। ये हमारे साथ में व्यापारी थे सत्य विजय गुप्ता जी, उन्होंने हमको बताया कि चने के जो भाव हैं लगातार अच्छे हैं और आवक भी एक अच्छी बनी हुई है, और जो तेल मिलों में जो चना जा रहा है एक अच्छे क्वालिटी का गुणवत्ता का जो चना है वो भी जा रहा है, और आगे अब चने के किस तरह के भाव रहने वाले हैं वो भी हम जल्दी ही अपने दर्शकों को बताएंगे। नितिन शर्मा, टाइम्स टीवी, अलवर।